पप्पू जी आप फिर से गिरफ्तार किए जा सकते हैं। लालू यादव जी दिल तो दिखाएं, दिल तो दिखाएं, दिल तो दिखाएं। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, बंद की सियासत के बीच पप्पू यादव, तारीख याद कीजिए, आज 18 दिसंबर है और रात को 9 बज रहे हैं। कल बंदी है 19 दिसंबर को वामपंथी पार्टियों की और पप्पू यादव की, और इसे महागठबंधन के कई दलों ने, राजद को छोड़कर, सबों ने समर्थन दे दिया है। और अभी इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि पप्पू यादव की पार्टी के जो बड़े नेता हैं या इनके जो सिपाही हैं, उनके घर पर पुलिस की दबिश शुरू हो गई है। राजेश पप्पू के घर पुलिस पहुंची है, पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट मनीष यादव के घर पुलिस पहुंची है, उन्हें तलाशा जा रहा है। और खबर ये भी आ रही है कि पप्पू यादव को फिर से कल की बंदी के पहले हाउस अरेस्ट किया जा सकता है। पप्पू जी आप फिर से गिरफ्तार किए जा सकते हैं या इन्हें, या आपको बंदी में शामिल होने से रोका जा सकता है। कहाँ आज रात गुजारेंगे आप? मुझे समझ में नहीं आता है, मेरा रात तो सड़कों पर गुजरता है। 3 बजे हम फारबिसगंज में थे जी, इस देश की एकता के लिए, बेटियों को बचाने के लिए जी। लाखों लोग फारबिसगंज पूर्णिया के इलाके के वहाँ खड़े हैं, और अभी हम 8 बजे न्यूज़18 में, अब फिर आपके यहाँ हम हैं। आप हमें बताइए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी CPWD के इंजीनियर को गोली मार दी जी, अनिसाबाद में, अनिसाबाद में। अब आप हाजीपुर में गोली मार दी गई। आप एक दिनों में एवरेज 40 लोगों को गोली मारा जाता है, कुछ बचते हैं और लगभग नहीं बचते हैं। आज पूरा मुजफ्फरपुर जल रहा है, कई बलात्कार मुजफ्फरपुर में हुए हैं, गैंग रेप हुए, एक बच्चियों को जला दिया गया, और 3 महीने से वो बच्चियों के साथ गैंग रेप करने का प्रयास कर रहा था। पुलिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह सवाल पुलिस के लिए नहीं है। एक MLC के होटल में और एक MP के होटल में दारू लीकर माफिया पकड़ाए, 5 लाख रुपया पकड़ाया, उसको वहाँ के सीनियर पदाधिकारी ने रफा दफा करने की पूरी प्रयास की, पूरा समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इस बिहार के मुखिया कभी उस MLC के नॉमिनेशन में गए थे। सुशासन ये अच्छा, है। हम बात मैं MLC पर आ रहा हूँ जी। आप भाई बंद, बंद क्यों? यानी वामपंथी पार्टी नहीं, बंद क्यों, इस पर आते हैं। वामपंथी पार्टी पूरी जी, या गठबंधन धर्म के चाहे माझी साहब हो, सहनी जी हो, औल जी हो, बाम सेफ हो, आर्मी हो, AISF हो, NUCI हो, कांग्रेस हो, अब सभी लोग हम चाहते हैं। अभी भी जो और भी घटक विपक्ष के हैं वो कल ही हम लोग बंद करें। लेकिन सवाल उठता ये है, आप इस देश के संविधान पर जब सवाल खड़ा है, और आज पूरा देश चिंतित है नॉर्थ ईस्ट के लिए, पूरा देश चिंतित है इस देश नहीं, चिंता की बात हम बाद में करते हैं। पप्पू जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रशासन आपके समर्थकों के यहाँ अभी से दबिश दे रहा है, यदि आप आज रात को ही हाउस अरेस्ट कर लिए जाते हैं या आप गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, तो कल कैसे आप सड़क पर उतरेंगे? नीतीश बाबू को 74 का याद नहीं आ रहा है, बड़े बड़ी बात करते थे जी नीतीश बाबू। शायद कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश और लोहिया की विचारधारा से बिल्कुल कंप्लीट दूर हो चुके हैं नीतीश बाबू, गांधी की आइडियोलॉजी से दूर हो चुके हैं। भाई मेरे, आप गोली भी आप ही चला रहे हैं, PUK स्टूडेंट पर मार भी आप ही रहे हैं, जामिया में जनरल डायर की तरह, जालियांवाला बाग की तरह ढुका भी रहे हैं। बादल ने क्या कहा? बादल ने कहा कि किसी धर्म को टारगेट नहीं किया जा सकता। आज शिवसेना ने क्या कहा कि जालियांवाला बाग की स्थिति है। आप जामिया में गोली चलाओगे, बच्चों के रूम में जाओगे, आंसू गैस चलाओगे, AMU की आइडियोलॉजी पर चैलेंज करोगे, DU के बच्चों पर आप चैलेंज करोगे, जब BN कॉलेज में बच्ची का बलात्कार हुआ और वहां पर आप लाठी गोली चला रहे हो। भाई आप एक बात बताओ ना, कि राष्ट्र कवि दिनकर तो एक ही बात बोले ना, कि बर्बर सत्ता तुम पर हावी हो जाएगा, रावण बन जाएगा, जब तुम आवाज और लड़ना बंद कर दोगे। नीतीश जी आप भी तो लड़के आए हैं 74 के आंदोलन से। बिल्कुल, इस सरकार के जितनी लोग हैं, यदि मैं भाजपा की बात छोड़ दूं, तो भाजपा को याद नहीं है क्या? भाजपा इमरजेंसी की कहानी दोहराती है क्या? ये इमरजेंसी से बड़ी कहानी आप दोहरा रहे हैं? जी, मैं फिर उसी सवाल पर आ रहा हूं। कल आप हमको हाउस अरेस्ट कर लिए। मैं उसी सवाल पर आ रहा हूं। क्या
हाउ सर इसके सवाल पर भाजपा भूल जाती है। कल आपको प्रतिरोध मार्च में शामिल होने से रोक दिया गया, इसके बाद प्रतिरोध मार्च का जो असर था वह कम हो गया, अब आज रात को आपको रोक दिया जाएगा तो कल कैसे बिहार बंद होगा? सर मुझे एक बात, पूरी जनता तैयार है सर जी, पूरी जनता सड़कों पर है, लाखों लाख जनता सड़कों पर होगी सर जी। सर आज महंगाई सबसे बड़ा सवाल है और आज बेटी की हिफाजत सबसे बड़ा सवाल है और उससे बड़ा सवाल है देश की एकता, देश का संविधान। अमित शाह तो कह रहे हैं देश के गृह मंत्री कह रहे हैं मैं किसी को परेशान नहीं करने जा रहा हूँ, कानून ऐसा नहीं आया है जिससे किसी को परेशान होने, फिर आप लोग इतना हंगामा क्यों बरपा रहे हैं? एक बात समझ में नहीं आता है, मैं अमित शाह जी से आग्रह करूंगा कि पहले आप बांग्लादेश की चिट्ठी पढ़ लीजिए जी। बांग्लादेश के मिनिस्टर ने चिट्ठी लिखा है कि आप पूरा का पूरा जाति धर्म मजहब से सब चीज़ से ऊपर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई लिस्ट बनाइए, आप मेरे नागरिकता दे दीजिए, हम उससे प्रेम भी करेंगे, उसको रेस्पेक्ट भी देंगे, वोटिंग राइट्स भी देंगे और सबसे ज़्यादा अधिकार भी देंगे, आप चिंता मत करिए। और आज एक लेख आया है बांग्लादेश का जो हिंदू कह रहे हैं कि मैं भारत से ज़्यादा सेफ हूँ बांग्लादेश में और मुझे भारत की नागरिकता नहीं लेनी है। हम नहीं कह रहे हैं, हम उनसे एक बात पूछना चाह रहे हैं कि भारत में जब आप पीस को नहीं रहने दोगे, आप उन्माद और नफरत हमेशा, जब आप मंदिर के सवाल पर निर्णय कोर्ट ने दिया और देश के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दलित सभी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, जब आपने देखा कि अब हमारे हाथ से यह भी चला गया, 370 के सवाल पर भी आपके हाथ में कुछ नहीं बची, आप तलाक के सवाल पर भी आपके हाथ में कुछ नहीं बची, आप लगातार देश को धर्म जाति मजहब के आधार पर टारगेट करते जा रहे हैं, आप संविधान पार्टी से बना नहीं है ना, आप जाति धर्म लिंग भाषा क्षेत्रवाद या, या पहला मैं या पहला आप पार्टी संविधान बड़ा है ना जी, बिल्कुल संविधान बड़ा है, हमारे यहाँ भगवान बड़ा नहीं है जी, अमित शाह ने भी कहा कि संविधान बड़ा है जी, नहीं जी, यदि संविधान बड़ा होता तो आप कैब आप लाइए सबको, कोई दिक्कत नहीं है, कौन आएगा इस देश में, कोई आना नहीं चाहेगा, इस देश की जो पॉलिटिशियन के हालात हैं, जो जीडीपी है इस देश में, जो नफरत उन्माद का है, एक भी लोग कश्मीर में चले गए क्या? ये 370 के बाद सर, 370 के बाद कश्मीरी पंडित जो बात ये बार बार करते हैं सर, कोई आदमी अपनी जिंदगी महफूज और अमन रख रहा है? बिल्कुल। एनआरसी में सबसे ज्यादा कौन आ रहा है? आप 12 लाख जो अलग हुए आसाम में, 1600 करोड़ रुपया आपने खर्चा किया, आसाम के सवाल पर एनआरसी का एक बहस थी, आप 12 लाख आदमी बिहार के लोग यूपी के लोग हिंदी भाषी के लोग थे, आपने क्या किया? आज क्यों पूरा का पूरा आसामी और पूरा का पूरा मणिपुर नागालैंड कह रहा है मेरे राइट्स और मेरी संस्कृति पर आप चोट कर रहे हो, आप तो चाइना को परोस के दे रहे हो। दूसरी बात, एनआरसी में अनुसूचित जनजाति 63.3% और लगभग अत्यंत पिछड़ी जाति में भी 70 के पहले लगभग जमीन और कागजात अनुसूचित जनजाति के पास नहीं। अब आप जवाब देना चाहिए ना आपको, मैंने तो अब हमसे प्रमाण मांगोगे हिंदुस्तान के सर्टिफिकेट का तो मैं तो नहीं दूंगा, आप एनआरसी लागू करोगे और मैं सबको कहूंगा आप किसी भी कीमत पर मत दो। आप कह रहे हैं सर्टिफिकेट मत दो? नहीं हाँ। क्यों? अच्छा क्यों? हम हिंदुस्तान में कई पुलिस से रह रहा हूं, मैं भारत का नागरिक हूं जी, सर्टिफिकेट हमसे आप पूछ रहे हो जी, किस बात की? आप हमसे नागरिकता पूछने वाले? हम आज तक यहाँ पर हमारा दादा परदादा हमारे हम नौकरी करते रहे हैं, जब खेत करते रहे हैं, किसान हैं, हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, हम आज़ादी के बाद हमारे भविष्य। पप्पू जी ठीक है मैम, आपकी बात से आप हमसे मांगोगे तो हम तो कहेंगे कि बिहार नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि एनआरसी लागू नहीं होने दें। नीतीश बाबू आप कब क्या बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आता। नीतीश जी आप पहले भी तलाक का विरोध करेंगे बाहर हो गए, आपने 370 का बोला विरोध करेंगे बाहर हो गए, आप पुलवामा पर कुछ और कभी कुछ बोले, आप एनआरसी पर कहे कि मैं विरोध करूंगा, क्या हुआ? अच्छा आपने आप मुझे बताओ क्या पर आपने सपोर्ट कर दिया? चलिए आप नीतीश कुमार सर, नीतीश कुमार जी से मैं जानना चाहता हूं ठीक है, कि गांधी बाबा साहब अम्बेडकर का वो लाइन कि क्या आप यह कहोगे कि बांग्लादेश बगल में नेपाल भी तो है, चाइना भी तो है और बॉर्डर नहीं है क्या,
बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान तीन ही बॉर्डर है, ये दो नहीं है, भूटान भी है, भूटान भी है ना, तीन है ना, बर्मा भी है, बर्मा भी है, भूटान भी है, नेपाल भी है, नेपाल भी है। आप इन चार कंट्री को छोड़ दो, ये आप क्या दर्शाना चाहते हैं अमित भाई? दूसरी बात, तीन कंट्री में आप कह रहे हो कि जो मुसलमान 6 साल 6-6 महीना रहेगा उसके बाद हम सब्सिडी दो। आप हमको बताओ ना, 3,69,000 करोड़ रुपया अब कहाँ से, अब कैंप और सालाना, और बैठ के आप कह रहे हो आपको मानवाधिकार भी देना पड़ेगा, आपको स्कूल कॉलेज से लेके उसकी ज़िंदगी जीने के लिए देना पड़ेगा, और बंद करके आप किसी को खाना दोगे वो तो बारूद बनेगा हमारे ही देश में। पप्पू जी, मैं एक सवाल करूँगा आपसे। हाँ। आप कह रहे हैं कि देश में आपातकाल जैसी स्थिति है, और जिस तरीके से नीतीश कुमार गिरफ्तार किए जाते थे या दूसरे नेता गिरफ्तार किए जाते थे, तो आपातकाल से लड़ने के लिए जेपी आए। हाँ। और फिर एक दूसरी यात्रा हुई जिसे लेकर बड़ा देश में बबेला हुआ, अयोध्या यात्रा, रथ यात्रा, उसे लालू यादव ने रोका। तो क्या पप्पू यादव को लगता है कि देश को अब जेपी और लालू यादव की जरूरत है एक ऐसे किसी शख्स की? इस देश को जेपी की जरूरत तो है ही, लालू यादव की भी जरूरत है सर, इस देश को सुभाष चंद्र बोस की भी जरूरत है, नहीं इस देश को अशफाकुल्ला और भगत सिंह की भी जरूरत है, लालू यादव की भी जरूरत है, इस देश को कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू, जुब्बा सैनी, लालू यादव जैसे लोगों की भी जरूरत है। बिल्कुल है। कर्पूरी ठाकुर जी आज होते तो नीतीश कुमार क्या जवाब देते? आज लालू यादव होते तो ऐसा नहीं होता। क्या आप हमको बताइए ना, लालू यादव जेल में जी सजा भोग लिए, उन्होंने आपने कहा चारा चोरी कर ली, तो भाई अब तो सजा भी हो गया, हम आप भी जनता कर दी तो करेगी या नहीं करेगी वो तो जनता जानेगी। लेकिन मुझे आप एक बात बताओ, नीतीश कुमार जी से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। नहीं, आप इतना मानते हैं ना कि यदि लालू यादव होते तो आज जो देश का माहौल है उसमें वो मजबूती से इस मुद्दे को लड़ रहे होते? मैं एक बात आपको बहुत क्लियर बता दूँ कि जो देश का माहौल है बिहार में एक प्रखर आवाज होती होते, लालू यादव एक प्रखर आवाज होता जी, आज वो आवाज नहीं है, नहीं है। मैं एक बात बोल रहा हूँ, चलिए मैं एक बात मानता हूँ, आज पप्पू यादव, हाँ पप्पू यादव आवाज बनकर उभरे हैं, लेकिन मैं एक बात मानता हूँ, सुनिए ना जी, जब महंगाई थी तो पप्पू यादव जी, जब बारिश, जब पानी थी तो पप्पू यादव जी, और जब बेटी जल रही थी तो पप्पू यादव जी, हम दो बार गए, यहाँ मिनिस्टर से मैंने फोन कराया जी, सारे बिल हॉस्पिटल के माँ पप्पू यादव, एक रुपया नहीं लगा उस बच्ची को जी, एक रुपया मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर की बच्ची को जी, और मेरे जाने के बाद एसपी उनको यहाँ भेजा, उसके पहले तो कोई सूद लेने वाला नहीं था, उसमें तो आरोप लग रहे थे कि आपके ही कोई लोग हैं। सर मैं जी तो वही तो पूछ रहा हूँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, उसके पहले कोई किसी को पता, आप चाहते हैं स्पीडी ट्रायल हो जाए उसे फांसी का? सर स्पीडी हम तो चाहते हैं कि ऐसे लोगों को 15 दिनों के अंदर एसपीडी ट्रायल, मैं नहीं तो ये सवाल उठाया जी। और 8 बजे हम मिले स्वास्थ्य मंत्री से, स्वास्थ्य मंत्री जी ने मेरे आग्रह पर फोन किया, स्वास्थ्य मंत्री, और फोन करके बोला महंगे सारे दवाई पप्पू जी आए आप दीजिए, फिर यहाँ लाया गया मेरे जाने के बाद, तब तक किसी को पता नहीं था सर, और मुझे कल तक पता नहीं था, जब हम राजगीर गए थे जहाँ 8 लड़के ने बलात्कार किया, हमको नहीं पता था सर मैं फिर वो किस जाति के, लेकिन बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी, कल का बंद का मुद्दा है सर, मैं सीधा बंद के मुद्दे पर मैं आपको कहना चाहूंगा। हाँ, कल आप कहाँ उतरेंगे? ये कैसी बर्बर सरकार है जी सर, आप लाठी गोली चलाओगे आज रात कहाँ गुजारेंगे पप्पू यादव? आप एक तरफ लाठी गोली चला के देश को चुप कर रहे हो जी, आप गोली चला के नॉर्थ ईस्ट को चुप कर रहे हो, बारूद के ढेर पर कश्मीर को बड़ा बारूद बना रहे हो। आप एक काम करो ना, पप्पू के बंद होने से देश की संविधान की रक्षा हो जाए, और पप्पू को गोली मारने से नॉर्थ ईस्ट आजाद हो जाए, बिहार पुलिस से बचने को आज रात पप्पू यादव कहां सोएंगे? किससे बचने को? बिहार पुलिस से बचने को, ताकि आप कल सड़क पर उतर सके। हद हो गया सर, मैं एक बात आपको बहुत क्लियर बता दूं, मैं सेवक हूं, 11,33,00,000 बिहार का बेटा हूं, बेटा को छूने का मतलब है माँ का प्रकोप झेलना, पिता के आग से जल जाना, और भाई के क्रांति से दुनिया को संदेश जाना। मैं कल नज़रबंद किया तो मैंने कहा गोली कम मारोगे सर, नज़रबंद और अरेस्ट से अच्छा है गोली मार दो। अब सीधा
जनरल डार की तरह काम करिए जो कर रहे हैं आप एएमयू जामिया में। चलिए कल पप्पू यादव फिर से सड़कों पर, मैं सड़कों पर ही नहीं रहूंगा जी, सभी लोग एक एक गरीब जनता सर सड़क पर हम देश की आवाज बनने ना है जी। पूरा बिहार शांति प्रिय है, कहीं किसी से जबरदस्ती नहीं, देश बिहार की जनता का सपोर्ट है। हम चाहते हैं बिहार एक दिन बंद हो, दो दिन बंद ना हो, ठीक है मेरा, क्योंकि दो दिनों से पर उसके बाद दरोगा की परीक्षा है। मेरा अपील है आज भी आगे की आप क्या? आगे बंद करना चाहते हैं तो अभी 21 छोड़ दें, आगे आप 15 दिनों के बाद जब और हालात खराब होता है तो बंद करें, आप साथ उसमें होंगे। हम लोग साथ होंगे, मतलब आप तेजस्वी यादव के भी साथ होंगे बंदी के, क्योंकि देश का सवाल, जब आप देश के सवाल पर कोई भी जी, और इस गरीब और किसान और इस जीडीपी, बांग्लादेश हमसे कई करोड़ गुना ज्यादा जीडीपी, जीडीपी की रक्षा के लिए और देश की महंगाइयों से बचाने हम के किसी लिए, के भी साथ होंगे, हम आप किसी के भी साथ होंगे, बहुत वर्कर बनकर के साथ रहने को तैयार हैं। लालू यादव जी दिल तो दिखाए जी, अब लालू यादव के अलावे दिल तो है नहीं। चलिए अब इस बात को यही समाप्त करते हैं। पप्पू यादव ने मान लिया है कि जो देश का माहौल है, देश को एक जेपी की जरूरत है, देश को एक लालू यादव की जरूरत है, और लालू यादव जैसा दिल तो कोई दिखाए, तो कल फिर से हम देखते हैं कि पटना की सड़कों पर पप्पू यादव कैसे उतरते हैं, बंद का क्या असर दिखता है, कल भी क्या होगा, यह भी आपको हम दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। पप्पू जी आप फिर से गिरफ्तार किए जा सकते हैं। लालू यादव जी दिल तो दिखाए, दिल तो दिखाए, दिल तो दिखाए।